गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज जा रहे हैं फ्रेंड्स हम रतनगढ़, और तो रतनगढ़ में आप देख सकते हैं किस कंडीशन में जा रहे हैं। आज हम रोड पे जा रहे हैं और वो भी मेरा भी ऊपर बैठ के कर रहे हैं, इसलिए वीडियो तो यहाँ से अभी चल रहे हैं रतनगढ़। तो आपको पूरा ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे यहाँ से वहाँ तक की ट्रैवलिंग, प्लस आपको मंदिर विजिट करवाएंगे, नदी वगैरह सब जगह। तो चलते हैं रतनगढ़, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम झांसी से निकल चुके हैं, मतलब निवाड़ी से निकल चुके हैं झांसी के लिए, और हमें बाय कानपुर रोड जाना है। तो अभी ये झांसी रोड है, इसके आगे से हम कानपुर रोड पकड़ेंगे, फिर जाके दतिया रोड पकड़ेंगे या फिर कोई शॉर्टकट ले लेंगे जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाएं। तो अभी देख सकते हैं नाइट में नज़ारा झांसी रोड का, बहुत ही बेहतरीन है। और NH 35 है, नेशनल हाईवे 35 है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर नाइट में। बाकी सड़क भी अच्छी है, तो जल्द ही पहुँच जाएंगे हम। तो चलते हैं आगे का नज़ारा देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह बढ़िया। बाकी आगे एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी ट्रिप क्या कैसी होने वाली है, तो देखते रहिए। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रतनगढ़ में, और हमने अपने मतलब के गाड़ी से आए थे, तो गाड़ी पार्क करके अब यहाँ पर जवारे उठा लिए हैं। तो जवारे विसर्जन करने आए थे, तो यहाँ पर जवारों की देखिए पूजा वगैरह हो रही है, तो हमने भी यहाँ पर पूजा के लिए रख दिए हैं यहीं पर, और पूजा करके फिर हम जाएंगे मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जवारे पड़े हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी देखिए हम लोग अभी जो है 2 बजे के समथिंग, 2-3 का समय है रात के, हम यहाँ पर इतने टाइम पे आ गए हैं, और भीड़ देख सकते हैं आप। और अभी जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, कुंवर बाबा का मंदिर है, और इनके आगे माता जी का मंदिर है, तो हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन यहीं से निकल रहे थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और हम जस्ट जैसे ही मंदिर में आए यहाँ पर पट ओपन हो गए। तो अभी चलते हैं हम माता जी। ओ फाइनली गाइस अभी बजे हैं रात के 2:40, और अब मैं हूँ यहाँ पर रतनगढ़ी वाली माता के मंदिर। तो एक्चुअली हम पीछे से आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो मंदिर के लिए ये वाली रास्ता जाएंगे हम, तो माता रानी के मंदिर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर है बाबा जी का मंदिर इस साइड, तो वापस में आएंगे नीचे से, वहाँ से तो बाबा जी के मंदिर जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं इस साइड और दिखाते हैं आपको क्या है कैसा सीन। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं माता रानी के मंदिर के लिए, देखिए यहाँ से जा रहे हैं, और इसके बाद वहाँ से हम लौटेंगे। तो रात का टाइम है अभी, करीब 3 बजने वाले हैं, तो चलते हैं। फाइनली हम जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे के लिए, और मेरी साइड का एक बटन टूट गया, इस वजह से मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। बाकी और मेरे साथ बहुत लोग आए थे, तो काफ़ी नीचे जा रहे हैं और कुछ ऊपर आ रहे हैं, और हम भी चलते जा रहे हैं। दोस्तों ऊपर साइड से आप सीढ़ियाँ उतरते हो तो थोड़ा मतलब थोड़ा ही कठिन है सीढ़ी उतरना, लेकिन अब जब नीचे से सीढ़ी चढ़ोगे मंदिर के लिए ऊपर, तो आपको बहुत थकावट होगी क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ पड़ जाती हैं। तो अभी तो हम आराम से उतर आ रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। बाकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब तो बहुत दिक्कत आती है, देखना आप। अभी हमने नहा लिया है और अभी जाएंगे हम मंदिर में। मंदिर आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, तो अभी जाएंगे हम मंदिर में। तो मंदिर में चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर का सीन। तो गाइस यहाँ पर नहाने के लिए वैसे तो नदी है, लेकिन अभी क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा था, तो नदी उफान पर थी, तो वहाँ पर पुलिस वाले नहाने नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यहीं पर नहा लिया है। नल वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो हमने यहीं पर नहा के अभी यहीं से हम जाएंगे मंदिर के लिए। तो गाइस अभी जा रहे हैं मंदिर में अंदर, मंदिर में चलते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर का सीन। हम जो इस साइड से सीढ़ी चढ़ रहे हैं,
तो काफी दिक्कत भरी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो गाइस यहाँ पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। तीन चार जगह बैठ बैठ के चढ़े हैं, हमें अभी भी पूरा नहीं चढ़ पाए। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सीढ़ियों से मंदिर से मंदिर सीढ़ियों के मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर। तो अब जाते हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। फिलहाल देखिए ये है मंदिर, हम यहीं पर जाएंगे अभी। अगर यहाँ पर पता अगर आपका कोई गुम हो जाता है तो आप सीधे काउंटर पर जाइए, वहाँ से आपको बोल देंगे कि कौन किसका गुम हो गया, तो वह आपको मंदिर में ही मिल जाएगा। बाकी लोग मंदिर में प्रसाद वगैरह डाल देते हैं तो यहाँ पर उस वजह से चिपचिपापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंदिर घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। हम बाहर निकल के घूम देखा जब तो मतलब सुबह के 4-5 बज चुके थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माता रानी का प्रतिमा लगाई गई है और इतनी सी ही बस प्रतिमा यहाँ पर है। आगे की साइड और पीछे की साइड यहाँ पर दो पीतल के शेर वगैरह भी लगे हैं। देखिए और गाइस भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। दोस्तों अभी देखिए मॉर्निंग का समय हो चुका है और लोग अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही वाली है। और कुछ लोग देखिए यहाँ पर सुबह का ब्रश करने के लिए दातुन वगैरह टूट रहे हैं। यहाँ पर आप लोग दुकानें वगैरह लगाने के लिए अपने स्थान जमा रहे हैं और देखिए यहाँ पर। और फिलहाल हम लोग तो दर्शन करके नीचे जाने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ का सीन। तो फाइनली गाइस हम मंदिर से वापस पूजा वगैरह सब कुछ कर मंदिर से आ चुके हैं घर के लिए। तो फाइनली गाइस हमने पूरा मंदिर घूम लिया है, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। तो अगर हमारा ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।